हेलो एवरीवन, लतास कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्न चाट, बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई थोड़ा गर्म होते ही एक चम्मच घी ऐड किया है। घी थोड़ा गर्म होते ही उसमें ऐड करना है शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने बारीक कट किया है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद साथ ही साथ ऑनियन ये भी बारीक कट किया है, साथ ही साथ ऐड करेंगे कैबेज। अभी इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं। साथ में थोड़ा ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, सॉल्ट ऐड करके उसको पकाएंगे। मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको हाई फ्लेम में, गैस रहेगा वैसे ही इसको पकाएंगे। गैस फास्ट ही चालू रहेगा, ये अच्छे से पकना चाहिए। इसको मिक्स करते करते हुए इसको पकाएंगे। 3 मिनट ये पक गया है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्न ऐड करेंगे। एक बड़ा सा बॉल कॉर्न मैंने यहाँ पे ऐड किया है। कॉर्न ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये देखने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाएंगे तो टेस्ट बहुत जबरदस्त है और हेल्दी भी है। बच्चों को इवनिंग का स्नैक्स के लिए बिस्किट ये सब देने से अच्छा डेली एक एक अलग अलग तरह का हेल्दी खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है, पका के हो गया है हमारा। आधा ये पकना है बस, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। एक बाउल में पहले इसको डाल देते हैं। इसको बाउल में डालने के बाद इसको हम लोग पाउडर्स ऐड करना है। पहले उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली पाउडर, उसके बाद ऐड करेंगे 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच चाट मसाला या जलजीरा मसाला भी, जलजीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का सेम टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने मिक्स किया है नमक, पहले मिक्स किया था उसके बाद मिर्ची पाउडर और चाट मसाला, अभी लास्ट में इसमें आधा नींबू का रस मिलाएंगे। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट तो जबरदस्त है, एक बार ज़रूर आप बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए।